चलिए आज मैं किचन की हमारी मेरी होगी दिवाली की सफाई शुरू। मैंने रूम की तो कर चुकी, बाहर बरामदे की कर चुकी, आज मेरी किचन। किचन में फर्श पे इस तरह से नाइस होल डाल दो ना थोड़ा सा, तो किचन चमक जाती है। अंदर ड्रायर वगैरह देखो सब ड्रो साफ की है लाइजोल डाल के, ये सेल्फ साफ की है, ये देखो। कभी मैं इस तरह से नीचे बहुत गंदा रखा है, आपको सफाई से पहले दिखा दूं और फिर आपको किचन क्लीन करके दिखाऊंगी कि किचन कितनी गंदी हो रखी है। किचन में से हर 15 दिन भले ही गंदगी निकाल लो तो निकलेगी। तो मैंने सारे बर्तन धो के बाहर रख दिए, डिब्बे वगैरह, और मैं किचन को क्लीन करूंगी दिवाली के लिए। ये देखो कितना गंदा हो रखी है, ब्रश से साफ किया है, ड्रायर वगैरह इसके कैबिनेट मैंने एक दिन पहले साफ कर दिए थे तो आज मैं, और ये देखो किस तरह से मैंने सामान निकाल रखा है किचन का, ये देखो। तो चलिए मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। काम खत्म करने के बाद मैं यहाँ जलाती हूँ, जैसे कि पता है किचन में एक बहुत अच्छा सा दीपक, जिससे बहुत अच्छी सी ना भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाती है और मन में बहुत अच्छे पॉजिटिव विचार आते रहते हैं, तो मन को ना अजीब अलग सी शांति मिलती है। इस तरह से एक काम खत्म करने के बाद यदि हम दीपक जला के रख देते हैं, ये शाम तक जलता रहेगा, शाम को फिर दूसरा जल जाता है। और ये एक स्टिक, इस तरह की एक स्टिक ली है, ये बहुत अच्छी इसमें ना केवड़ा की खुशबू है, तो ये घंटों चलती है। पर इसको कहीं लगाने का कुछ रहता ही नहीं, अगर कहीं लगा दो तो ये आधी जल के रुक जाती है। फिर इसमें अगर आपके पास इस तरह से कोई स्टैंड नहीं है तो मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने एक पॉट में मिट्टी भर दी और ऊपर ही इसमें इस तरह से सेट कर दिया, तो ये पूरी जल जाएगी। इसमें से बहुत अच्छी भीनी भीनी, बिल्कुल भीनी भीनी खुशबू आती है, बहुत अच्छी आती है। तो चलिए मैं आपको अपना सिर्फ आज किचन टूर कराऊंगी, फिर आपको अपना ड्राइंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम, बाहर का बरामदा, ये सब टूर करा दूंगी। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और एक मेरा विचार, यदि आप में अपने सारे सपने सच करने हैं तो उसमें आपको अपना पूरा हौसला बनाने की, हौसला की कोशिश करें, हौसला बना के रखना होता है, प्रयास करें कि मेरा ये सपना सच होए। हमारे अंदर एक जज्बा हौसला होएगा तभी हम उस सपने को सच कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम सच नहीं करेंगे। तो चलिए मैं आपको किचन टूर कराती हूँ कि मैंने अपनी किचन को दिवाली के लिए डेकोर कर लिया, बस बाद में दिवाली पर लाइटें लगानी बाकी रह जाएगी, बाकी मैंने इसको डेकोर कर दिया। तो दिखाती हूँ आज ही मैंने आपको अपनी किचन पहले गंदी दिखाई थी और अब मैंने उसको इतना क्लीन कर लिया कि मैं आपका क्लीन करके दिवाली की मेरी समझो कि कंप्लीट हो गई पूरे घर की। अब बस थोड़े से मुझे पर्दे चेंज करने हैं, मीशो से जो सामान मंगाया वो मैं आपको दिखाऊंगी, और एक छोटी सी ड्रेस करूंगी। मैंने उस दिन दिखाई थी ना, ये देखो कितनी गंदी रखी है, ये बहुत अच्छी ट्रे थी, तो इसी कलर का भी यही ये सिल्वर पेंट, इसके ऊपर स्प्रे पेंट मारूंगी, तो ये मैं आपको दिखाऊंगी। और इसको कितना सुंदर डेकोर करूंगी, एक मैंने गोल्डन कलर की है तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए किचन का टूर कराती हूँ। ये टूर देखो, ये मैंने यहाँ इस तरह से दीपक जला दिया, ये देखो, ये तो ये एक बहुत अच्छा सा भी मनी प्लांट ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा खाद डाल दिया जाए ना, मैं क्या डालती हूँ, मैं सब्जी के छिलके केला पानी में घोलने के बाद, और ये इस तरह से देखो इसकी स्टिक का कितना बढ़िया धुआं चल रहा है, ये देखो। तो मैं आपको किचन की बस सिर्फ सफाई दिखाऊंगी कि हाँ ये देखो ये मैंने कितना क्लीन किया। एक इधर मैंने प्लांट लगा दिया है और इसके अंदर मैंने आपको एक DIY की थी ना ये वाला, तो इसके अंदर मेरे किचन के छोटे छोटे कपड़े रहते हैं इसके अंदर, और ये मैंने इधर एक बांध दिया धागे से, ये मैंने इसको कैटल को किया था पेंट, तो इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया। और ये मैंने ये बहुत अच्छी बहुत सुंदर मटकी लगती है, इनके अंदर मैं रखती हूँ जीरा,
सेंधा नमक, काला नमक, पुदीना इस तरह से रखती हूँ। देखो ये मेरा ओवन माइक्रोवेव है, एक कोना मैंने इधर ये, और ये मेरा चाय सेक्शन है। एक ये मैं बहुत अच्छा फ्राई पैन लेकर आई थी, ये देखो बहुत हैवी सा है, इसमें दो जनों के आराम से सूखी सब्जी दाल गर्म हो जाती है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये मैंने फिर खरीद लिया। ये देखो इस तरह से मैंने डेकोर किया, और ये अंदर इसको देखो मैंने लहसुन वगैरह रखती हूँ, मिक्सी, ये कैबिनेट कितनी गंदी हो रखी थी ना, व्हाइट हो गई, ये पूरी मैंने पूरी सबकी सब मैंने साफ कर दी। ये देखो सब चमक गए, वो गैस वगैरह, और ये मेरा एक छोटा सा कॉर्नर, लाइट ऑफ करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखो एक मैंने, ये देखो हल्की सी मैंने एक लाइट भी लगाई है, ये देखो आपको अगर दिख रही है तो, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। ये एक मैंने लड़ी लगाई है लाइट की, हल्की हल्की सी इसमें लाइट आती है, मैंने कम जलाई है, ये तेज भी हो जाती है, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे टिम स्टार चमक रहे हो, टिमटिमा रहे हो। ये देखो, ये देखो, ये देखो दिख रहे हैं ना, ये देखो, इस तरह से मैंने फिल्टर के पास लगाई है, आसपास नल के पास किचन के, ये बहुत अच्छी लग रही है। तो बस आप बताना कि मेरी किचन आपको कैसी लगी। और ये अब अच्छे अच्छे मैंने सूट निकाल दिए सर्दियों के, कॉटन के, इनमें बहुत अच्छा, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया तो इस तरह से ये देखो बहुत अच्छी मैंने हैवी सलवार बनवाई है, और ये अच्छे 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 लंबे लंबे कुर्ते बनवाए, तो ये बहुत आरामदायक है, तो ऐसे मैंने बहुत सारे बनवा लिए, तो डेली पहनूंगी सर्दी में, क्योंकि इन्हीं कोई अच्छा लगता है पहनना। अभी सिंथेटिक सिल्क के थोड़ा सर्दी में पहना जाएंगे, तो अभी सिल्क भी नहीं पहने जा रहे हैं, शिफॉन सिल्क, तो ये अभी कॉटन के मैंने निकाले हैं, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए फिर मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, कुछ बताती हूँ। चलिए, मुझे एक मेरी फ्रेंड की रिक्वेस्ट आई है कि भजन आप एक जरूर सुनाया करें, तो चलिए एक आपको एक छोटा सा मैं भजन सुनाऊंगी, बहुत छोटा सा है, सीता जी का है। सिया पांव थक गए हैं, सिया पांव थक गए हैं, बने पथ पर चलते चलते, बने पथ पर चलते चलते, सिया पांव थक गए हैं, सिया पांव थक गए हैं, बने पथ पर चलते चलते, बने पथ पर चलते चलते, उसे कंटक चुभ गए हैं, उसे कंटक चुभ गए हैं, बने पथ पर चलते चलते, बने पथ पर चलते चलते, सिया पांव थक गए हैं, वन पथ पर चलते चलते, वन पथ पर, कहने लगी पिया से, कहने लगी पिया से, रुकने का है बहाना, रुकने का है बहाना, जल लेने लखन गए हैं, जल लेने लखन गए हैं, स्वामी ठहर तो जाना, जल लेने लखन गए हैं, देवर जी थक गए हैं,
थक गए हैं बन पथ पर चलते चलते, बन पथ पर चलते चलते, कहीं छाव में तो बैठो, कहीं छाव में तो बैठो, मैं पोंछ दूं पसीना, मैं पोंछ दूं पसीना, आ चल बयार करके, आ चल बयार करके, मुख आपका मलीना, मुख आपका मलीना, सिया पांव थक गए हैं, सिया पांव थक गए हैं, बन पथ पर चलते चलते, बन पथ पर चलते चलते, पग रेत भर गए हैं, पग रेत भर गए हैं, पग चल मन पथ पर चलते चलते, कोमल चरण धो दूं हर नाथ आगे चलना, कोमल चरण धो दूं फिर नाथ आगे चलना, इतना तो थक है ना, प्रभु समझ गए थे, सिया थक गई है, सिया थक गई है, बन पथ पर चलते चलते, बन पथ पर चलते चलते, सिया पांव थक गए हैं, सिया पांव थक गए हैं, बन पथ पर चलते चलते, बन पथ पर चलते चलते। बस एक छोटा सा भजन सुना, तो प्लीज कमेंट करना, बताना कि आपको मेरा ये भजन कैसा लगा। एक एक शब्द इसका बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ, एक छोटा सा कोना डेकोर किया ड्राइंग रूम का, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो ये कितना सुंदर मैंने इधर एक ये सेटिंग की है, इधर ये मिरर रखे हैं मैंने, और इधर ये देखो ये बुद्धा रखे हैं, और इसमें मैंने लाइट जलाई है इस तरह से। तो ये एक सिर्फ आपको एक कोना दिखाना है मुझे, जो मैंने ये ट्रैक की है ना पेंट, ये आपको डेकोर करके दिखाऊंगी अगली वीडियो में। तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने नहीं बनाई। और ये थोड़े से देखो, ये देखिए ये थोड़े मैंने साफ किए, ये कितने सुंदर लग रहे हैं, आपको बरामदा दिखाऊंगी। और जो मैंने अभी स्प्रे पेंट किया है ना, एक बहुत बड़ा है मेरे पास डिब्बा था, ऑयल था उसके अंदर, बहुत खूबसूरत है वो, उसके ऊपर मैंने स्प्रे पेंट किया। और जो ट्रे दिखाई है उसके ऊपर किया है, तो मैं आपको अगली वीडियो में डेकोर करके दिखाऊंगी। तो चलिए फिर मैं बंद कर